फ्रेंड्स, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं असद मलिक व्लॉग। आज हम बैठे हैं अपने इंटरनेशनल हॉस्टल तियानजिन बिल्डिंग में और आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें हम आपको अपने हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाएंगे। ये मैं अपने हॉस्टल के हॉल एरिया में बैठा हूँ, मेरे साथ स्टडी रूम है और ये सिटिंग एरिया है। साथ में जो है ना इसके थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पर हमारा टीचर की मीटिंग्स होती हैं, सेकेंड फ्लोर पर हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी और ये साथ में हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये रिसेप्शन का एरिया, ये रिसेप्शन के एरिया में जो है ना यहाँ पे सारे मामला देखे जाते हैं रिसेप्शनिस्ट हॉस्टल्स के और साथ में टीचिंग के और साथ में ही हमारे और एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो इनमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये गिवन की कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ कुछ हिस्ट्री है और ये सामने जो है ना ये एक्टिविटीज़ हैं, इसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब आपको सेकंड फ्लोर के थोड़ा दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर पे जो है ना ये हमारा सेकंड फ्लोर है जहाँ पे हमारी स्टडी होती है, या क्लासेस वगैरह हैं और ये ऊपर सारे जो है ना मनाजर हैं हमारे तियानजिन बिल्डिंग के। अभी हम बाहर चलते हैं, वेदर बहुत ही मज़े का है कुनमिंग सिटी का, यूनान प्रोविंस कुनमिंग सिटी। यहाँ पे मोस्टली बारिशें रहती हैं, इवन कि अभी भी 2-3 दिन से बारिश थी। मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से व्लॉग बनाऊं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था बारिश की वजह से और कुछ स्टडी वर्क की वजह से। तो आए आपको दिखाते हैं बाहर का मंज़र और यूनिवर्सिटी विज़िट करवाते हैं। ये देखें बाहर अभी बारिश है, ये हमारे तियानजिन का बाहर का मंज़र है, आपको बिल्डिंग बाहर से दिखाते हैं। और ये सामने पार्किंग एरिया भी है, साथ में कुछ यहाँ पे फ्लैट्स हैं, यहाँ पे आवाम मतलब के चाइनीज़ लोग रहते हैं, थोड़ा ये आउटसाइड पे भी आ जाता है। और ये हमारे तियानजिन की फ्रंट साइड है, ये सामने बिल्डिंग्स हैं, ये डिफरेंट हॉस्टल। एसी की ज़रूरत तो तकरीबन नहीं होती थी, पहले थे इधर लगाए हुए लेकिन इन्होंने जो है ना वो ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि ठंडा मौसम रहता है और इसलिए ऐसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पीछे हमारी यूनिवर्सिटी यूनान नोंगवे ताशवे यूनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी मेन बिल्डिंग है और इसके पीछे बैल बना हुआ है। इसका जो साइन है वो है हार्डवर्क और साथ में स्ट्रेंथ पावर, मेहनत करो और कुछ बनो, ये इसके लिए साइन इन्होंने बनाया हुआ है। ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर लैब है, मोस्टली यहाँ पे लैब वर्क होता है, तकरीबन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं और अपना वर्क करते हैं। वॉट चंग ये शी नोंगवे चिंची गोंगली, दिस इज़ माई एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं लेकिन आजकल छुट्टियाँ हो रही हैं तो इसलिए कोई क्लास नहीं हो रही, तो सिर्फ हम यूनिवर्सिटी विज़िट कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने घरों को जा चुके हैं चाइनीज़, बस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही इधर रह रहे हैं। तो ब्रदर्स आपको दिखा रहा हूँ चाइना पोस्ट है पीछे, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है, छोटे से छोटी चीज़ भी मंगवानी हो, बुक्स हो गई तो भी इधर से मंगवाते हैं, इवन के रूम की लाइट्स तक जो भी उन्हें चाहिए होता है तो यहाँ से मंगवाते हैं। ये चाइना पोस्ट है और साथ में और बहुत सारी पार्सल की शॉप हैं ये यूनिवर्सिटी में, तो तकरीबन स्टूडेंट्स इधर से ही मंगवाते हैं। तो आजकल छुट्टियाँ हैं यहाँ पे, आजकल तो इतना रश नहीं है तो इस वजह से आपको स्टूडेंट्स ना होने के बराबर दिख रहे हैं। तो बस ये था हमारा यूनिवर्सिटी की पार्सल शॉप, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है वेजिटेबल शॉप, ये यहाँ पे वेजिटेबल अवेलेबल होती हैं। ये कुछ मसाला जात हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की, किचन के मामले में यहाँ ऑलमोस्ट तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बाहर साथ में सब्ज़ी मंडी बड़ी है लेकिन छोटी मोटी चीज़ें उठानी हो एमरजेंसी में या कुछ भी तो यहाँ से उठाते हैं। ये सामने हमारे मीट है, ये हलाल नहीं है, हम लोग यहाँ से नहीं उठाते लेकिन दूसरे चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी है, ये यहाँ से मीट उठाते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये फ्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं जो यहाँ आती हैं, ये आपको मशरूम हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, ये लेमन है, ये जी चाइनीज़ लेमन, बड़े वाले लेमन। तो साथ में और बहुत सारी चीज़ें, अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं साथ में चाइनीज़ बैंक आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ एटीएम की सहूलत भी मौजूद है ना,
तो आपको अब एटीएम दिखाते हैं। छतरी हमारे पास है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी रुकी है तो अभी से जो है ना धूप आ गई है, तो लेकिन धूप और छांव दोनों के लिए छतरी जिंदाबाद। ये चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, एटीएम है यहाँ इनके, और साथ में और भी है चाइना मर्चेंट्स बैंक, चाइना मोबाइल या मोबाइल सिम वगैरह के लिए, यहाँ भी एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना हमारा है, चाइना रूरल बैंक उसका यहाँ एटीएम मौजूद नहीं है। लेकिन एटीएम यहाँ पे पेपर करेंसी तो बहुत कम ही यूज़ होती है, कभी सबवे के लिए कार्ड चार्ज करवाना हो या कैंटीन कार्ड चार्ज करवाना हो तो यहाँ से हम पेपर करेंसी निकालते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑनलाइन जैसे यूज़ होती है करेंसी, डिजिटल करेंसी यूज़ होती है, बस वही हम यूज़ करते हैं। तो ये सामने सात कैंटीन है, सात कैंटीन में का जिक्र किया था आपको, कैंटीन भी जब्त करवाते हैं। आजकल कैंटीन बंद है, आजकल मोस्टली हमें बाहर से खाना पड़ता है क्योंकि छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, तो इस वजह से कैंटीन उन्होंने बंद रखी है। ये जो सामने कैंटीन है, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये नॉन मुस्लिम की कैंटीन है, मुस्लिम कैंटीन नहीं है। मुस्लिम कैंटीन भी आपको विज़िट करवाते हैं थोड़ी देर में, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी का पार्किंग एरिया है कॉलेज के सामने, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट अभी खुला है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पे ये काम शाम चल रहा है, स्टडी हो रही है। तो उसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का एडिटोरियम। एडिटोरियम से मुझे अपने बीजी का जना एडिटोरियम याद आ गया, तो खैर ये भी खूबसूरत एडिटोरियम है, नो डाउट वो भी बहुत खूबसूरत एडिटोरियम था। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा किस तरह है, अभी खुला नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, अदरवाइज़ आपको अंदर से ये विज़िट करवाते। अभी आपको दिखाते हैं कि ये ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरत है, 2019 में बना था ये, 2019 में जब हम गए थे इस जगह पे और कॉलेजेस की बिल्डिंग थी, लेकिन उसकी जगह पे ये ऑडिटोरियम बना है। ये खूबसूरत ऑडिटोरियम 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, कोविड की वजह से हम वापस चले गए थे, और अभी इसमें 5000 लोगों की ऑलमोस्ट बैठने की कैपेसिटी है, और आपको अंदर से विज़िट नहीं करवा सकते, बस बाहर से गुजारा करें। साथ में हमने इधर पेपर दिए थे, ये हमारी और कॉलेजेस हैं यहाँ पे, अब जो है ना स्टूडेंट्स तो नहीं यकीनन आपको नज़र आ रहे, लेकिन ये खूबसूरत बिल्डिंग आपके सामने है। हमारे पीछे टेनिस ग्राउंड है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट टेनिस खेलते हैं, और टेनिस से मुझे सानिया मिर्ज़ा याद आ गई, बहुत अच्छी प्लेयर है, पाकिस्तानी प्लेयर, इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन एंड पाकिस्तानी प्लेयर। और साथ में ये हमारे साथ में और ग्राउंड है, और बास्केटबॉल का ग्राउंड है साथ में, ये जो तीन चार इसमें ग्राउंड है ये बास्केटबॉल के ही हैं, और साथ में इधर हमारे दो ग्राउंड और हैं, छोटे छोटे ग्राउंड हैं, इसमें खेला जाता है, वॉलीबॉल भी खेला जाता है, और साथ में बैडमिंटन भी यहाँ पे खेलते हैं। साथ में ये दो ग्राउंड हैं, तो ये सामने, इसके सामने बिल्कुल हॉस्टल्स हैं और कैंटीन है। आपको मुस्लिम कैंटीन दिखाते हैं, इसी के पीछे आपको मुस्लिम कैंटीन देखने में मिलेगी, ये बिल्कुल जो सामने नज़र आ रही है दरख्तों के पीछे, ये मुस्लिम कैंटीन है और ये नॉन मुस्लिम कैंटीन है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद पड़ी हैं, अदरवाइज़ इस वक्त यहाँ पे रश होता है, तो कभी आपको दिखाएंगे जब यहाँ पे रश हुआ, इसका मेन्यू भी आपको दिखाएंगे और विज़िट करवाएंगे। ये ग्राउंड के साथ यहाँ बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कि मशरूबात और कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको मिलेंगी, पाकिस्तान में तो ये आलमोस्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या मेन्यू है और कैसे चीज़ें सेलेक्ट करते हैं मशरूबात। सलमान आगे थोड़ा कैमरा लेके आए, ये देखिए यहाँ पे अभी बहुत कम रखी हुई हैं क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया कि यहाँ की छुट्टियाँ हैं, यहाँ पे कोक और कोक के साथ आपको ऑरेंज और दूसरे मशरूब जो है ना मिल जाएंगे। ये यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये लेना है तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, तो इसकी क्वान्टिटी क्या होगी, एक होगी दो होगी, जो आपने करना है करना है। उसके बाद जो आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट आपने वी चैट और अली पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, साथ में कोई तीसरा ऑप्शन भी है इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो इस वक्त अली पे से हम पेमेंट करते हैं। उससे पहले आपको ये विज़िट करवाते हैं, यहाँ पे मशरूबात हैं, पानी भी है, साथ में कोक भी है, इधर चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं, चॉकलेट्स भी पड़ी हैं, इनमें बार कोड लगे होते हैं, आप वहाँ से जो सिलेक्ट करोगे वो निकल आएगा। इधर अभी आपको दिखाते हैं कि अभी जो है ना हम सिलेक्ट करने लगे हैं, ये कोक हमने सिलेक्ट किया, ये 3 युआन की एक कोक है, 10 पैक है, ये अब हम अली पे सिलेक्ट कर देते हैं, ये सामने अली पे का बार कोड आ जाएगा। सलमान इधर करीब आए यार, ये बार कोड दिखाएं, अब ये देखिए हम अली पे के थ्रू इसे पे करेंगे, ये स्कैन हो गया अली पे के थ्रू, अब ये देखें 3 युआन लिखा हुआ आ गया, ये यहाँ से हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद इसका पासवर्ड देंगे,
इधर है इधर है इधर है, ये पासवर्ड हो गया है। अब ये देखें, ये यहाँ से वो एक बोतल यहाँ से गिरी है, अब यहाँ से हम नीचे लेके आए। ये देखें जी, ये यहाँ से हमने कोक निकाल ली है। बहुत मज़े की फैसिलिटीज़ हैं जो हमें बाहर देखने में मिलती हैं। ये सियाने लोग हैं भाई, हमारी तरह नहीं, शॉप्स बंद होंगी, ये होगा वो होगा, बस ये फुल टाइम चिल्ड कोक है, ये हम पीते हैं। बारिश भी है, गर्मी भी है, समझ नहीं आ रही ठंडा पिए गर्म पिए, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेशल निकाल को स्पोर्ट्स ग्राउंड विजिट करवाते हैं। तो चले चलते हैं, साथ में कोक को भी इंजॉय करते हैं। आ जाए यहाँ पे, साथ में बास्केटबॉल ग्राउंड भी है और फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं, रात को भी यहाँ पे खेलते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली। ये साथ में फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, साथ में आपको फुटबॉल ग्राउंड पीछे दिख रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। करीब चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये। और ये जो है ना, वॉक करने के लिए मोस्टली हम यहाँ शाम को आते हैं, कुछ दोस्तों से बात होती है तो वो यहाँ पे देख रहे होते हैं, मोस्टली रात को आता हूँ तो सही से नहीं देख पाते। खैर इस व्लॉग में वो ये भी देखेंगे, यहाँ बारिश हो और आंधी हो कुछ भी हो, यहाँ सबसे अच्छी बात यहाँ लाइट नहीं जाती, ये चाइना है भाई, पाकिस्तान में। और खैर और भी बहुत सारे कंट्री हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और छोटे कंट्री जो डेवलप नहीं है, पाकिस्तान इंडिया तो खैर बड़े कंट्री हैं, और छोटे कंट्री जो डेवलप नहीं है उनमें भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अंडर ग्राउंड जो है ना, लाइट्स का सिस्टम है, लाइट जाती नहीं है, उसके अलावा इतनी हाई क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं, इतनी वैराइटीज़ हैं, बहुत मज़ा है। बहरहाल फैसिलिटीज़ इन्होंने बहुत दी हुई हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी हुई हैं, आम यूनिवर्सिटीज़ में हमें नहीं देखने को मिलती। खैर डेवलप कंट्री है, इस वजह से यहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये अब जो है ना, ये जो कारपेटेड ग्रास है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये नेचुरल ग्रास नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हॉकी का एक अरूज था, उस वक्त नेचुरल ग्रास था जब हमारी टीम बहुत आगे जा चुकी थी, फिर तरक्की हो गई और भाई ये जो है ना कारपेटेड ग्रास आ गया, तो ये जो है ना वो वाली गेम का मज़ा नहीं आता। हम पाकिस्तानियों को तो खैर नहीं आता, इस वजह से शायद हम थोड़े पीछे रह गए हैं स्पोर्ट्स में। यहाँ के लोगों का जो पसंदीदा खेल है वो बास्केटबॉल है, क्रिकेट को ये नहीं जानते इतना ख़ास, क्रिकेट ना होने के बराबर है। यहाँ पे ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, माना कि इनकी कोई टीम नहीं है बहुत आगे फुटबॉल की, लेकिन थोड़ा तेज़ चलते हैं सलमान। आगे यहाँ इनको दिखाते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं, ये सामने कोई मेल और फीमेल इकट्ठे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे हैं आई थिंक सो स्कूल के, और ये उनके कोचेज़ हैं और उनको जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये अब आपको दिखाते हैं कि ये सामने कैंप लगा हुआ है छोटा सा, ये ट्रेनिंग चल रही है, कैंप लगा हुआ है, और देखिए बहुत सारे फुटबॉल और कोच वहाँ पे टीच कर रहा है। और इसके बिल्कुल ग्राउंड के पीछे फीमेल और बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, और इस साइड पे भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। ये देखिए कितनी शानदार बुलंदो बाला बिल्डिंग्स हैं, और मौसम की तो क्या ही बात है। Yes. ये मेरे डिपार्टमेंट के करीब बिल्कुल ही ये नज़ारा है, बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा वेदर है। ये पीछे मेरा डिपार्टमेंट है और ये सामने पहाड़ है, खूबसूरत बुलंदों वाला पहाड़। ये इस्लामाबाद वाली फीलिंग्स आती हैं इन पहाड़ों को देखकर, इस शहर को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। हाँ जी, तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जिसके आपको मनाजर दिखा रहे हैं। ये नया कैंपस है, इसमें बहुत सारी न्यू लाइब्रेरीज बनी है, रिसर्च लैब बनी है,
और बहुत सारे कॉलेजेस, बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है। नीचे ये देख रहे हैं बिल्डिंग के, और बहुत खूबसूरत तालाब है, इसमें मछलियाँ जो अभी नज़र तो नहीं आ रही कहीं और रूट पे होंगी। बहुत अच्छा मंजर है यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। और ये जो है ना, आपको विज़िट कराते हैं नया कैंपस। जो पहले आपको कैंपस विज़िट करवाया था वो पुराना कैंपस था, अभी आपको नया कैंपस विज़िट करवाते हैं। ये हमारे सामने केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री लैब की ये बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देख रहे हैं ग्रीन टी, इतनी प्यारी इस यूनिवर्सिटी की कि बंदा यहीं का होकर रह जाता है। और ये सामने, और केमिस्ट्री लैब के सामने प्लांट प्रोटेक्शन की बिल्डिंग है, न्यू लाइब्रेरी बनी है न्यू कैंपस में। ये यहाँ तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग में भी होते हैं, उधर भी लाइब्रेरी है, लेकिन अब ज़्यादा रश यहाँ पे होता है। और यहाँ पे और भी बहुत इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इनके तमाम डिपार्टमेंट इधर न्यू कैंपस में भी हैं, ओल्ड में भी हैं और न्यू में भी हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारी ये स्ट्रीट है। यहाँ सर्दियों में बहुत मज़े का माहौल होता है, यहाँ पर येलो फूल होते हैं और साथ में पर्पल फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ले अभी फिर बारिश स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की, थोड़ी देर पहले धूप थी। ओहो, ये सामने स्टूडेंट्स के हॉस्टल भी हैं यहाँ पे बिल्डिंग के साथ साथ, और साथ में इधर न्यू कैंपस में भी एक इन्होंने न्यू ऑडिटोरियम बनाया है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल।